हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनास क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करेंगे स्किट पर्दे का नेक्स्ट पार्ट, जो कि देख सकते हैं इसको बना करके फाइनली कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा और बच गया है जिसे कंप्लीट करना है। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, देख सकते हैं, जो कि इस तरीके से ये बन के कम्प्लीट होगा। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, बहुत सिंपल लेंगे। और एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ से भी झालर आप बना करके भी इसको डेकोरेट करना है। ये देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर का हमने बनाया है झालर। यहाँ पे आप छोटे छोटे से फ्लावर्स बना सकते हैं, मतलब जिस तरीके से आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, ठीक है। और ये देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स, और ये देखिए सेकंड है। दोनों साइड्स इसको आप टक कर सकते हैं, उल्टा भी और सीधा भी, ठीक है। देखिए 4x4 यहाँ नीचे बनाए, आप इसको लॉन्ग टूरन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, यानी गेट पर्दे डिज़ाइन के रूप में आप इसको बहुत लंबा भी बना करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उतना ही बड़ा वो बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको बना के कंप्लीट किया है फाइनली। अब ये देखिए लास्ट में ये जो सेकंड पार्ट, इसका हम शेयर करेंगे आज आपके साथ। देख सकते हैं जितना ये हमने ग्रीन कलर से बनाया ना, ये देख सकते हैं ये निशान लगाया है सारा, वो हमको व्हाइट कलर से बनाना है, जो कि हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। और बाकी जो है उसको हमें कट करना है, और वहीं पे फिर से हमको व्हाइट कलर का स्टिच करना है, ठीक है। क्योंकि हम पहले ग्रीन से बना रहे थे तो ग्रीन वाला हमें उतना समझ में नहीं आया, तो हमने उसको फिर साइड कर दिया, यानी कि कट करके निकाल दिया। बाकी जो ये हमने स्टिच किया था स्टार्टिंग के लिए, वो देखिए यहाँ से अभी हम इसमें स्टिच करेंगे, ठीक है, वाइट कलर। तो जितना दिख रहा होगा आपको सब जगह पे हमको वाइट स्टिच करना है। तो उसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम वाइट कलर का थ्रेड लेंगे, एक नॉट लगाएंगे, तो हमारा वही जो हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। और चलिए फिलहाल अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कंप्लीट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे वाइट कलर से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बना लिया, 1/8 भी बना सकते हैं। और इसी जगह से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहीं पे ग्रीन वाले की जगह पे देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे और एक और, ठीक है। तो आप चाहते हैं एक और नॉट लगाना, तो इसको भी जस्ट इसके बगल से ही लगा करके धागे को यहीं पे हम कट कर देंगे, ठीक है। देखिए फिलहाल ये बना लिया हमने, बहुत ईजी है इसको बनाना। इसी में हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए पहले हम इसको बना लेंगे, निशान लगा लेंगे जहाँ जहाँ हमें लगाना होगा उतनी उतनी दूरी पे। देखिए हमने इस तरीके निशान लगा के रखा हुआ था, ठीक है। फिर से हम नॉट लगाएंगे, देख सकते हैं आप लोग, सिंपल इस तरीके से। और देखिए वाइट कलर का थ्रेड है वही हमारा, और ये देखिए इस तरीके से हमने नॉट लगा लिया। जिस तरीके से आप लगाते हो लगा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से फिर से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इसको बनाने के लिए, देख सकते हैं इस तरीके से हमने नॉट चेन बना लेने, ठीक है। तो कितनी बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 भी बना सकते हैं और 8 भी बना सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए इसको साइड में रखेंगे और इसी जगह से इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा करके ज्वाइन करके धागे को यूँ निकाल करके इसमें से, फिर नेक्स्ट यहाँ से निकाल करके इस तरीके से कट कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं बहुत ही ईजी पैटर्न है इसको बनाना, ये देखिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बना लिया इसको, और जो ग्रीन वाला है इसको यहीं से हम कट कर देंगे, देखिए यहीं से कट कर देंगे और कट करके इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा ना कि आप देख के उसी बना भी लेंगे, और धागा हमारा मतलब स्पेस इधर से उधर नहीं होगा, वहीं पे हम बना लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिया है। आप देखिए इसको फिलहाल हम कट कर देते हैं, ठीक है। जितना भी आप क्रीम वाला दिख रहा होगा, देखिए एक्स्ट्रा थ्रेड ना कटने पाए, वरना डिज़ाइन हमारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने इस यहाँ पर बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बन गया है, और ये लास्ट में एक और बचा है, इसको भी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेम ऐसे ही बनेगा, इसी तरीके से इसको बना के कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं, मैंने 2 बता दिया आपको, ठीक है। तो जिस तरीके से 1 और 2 बनाए हैं वैसे सारे बना लेंगे, ठीक है। तो बना के आपको फिर दिखाते हैं, कंप्लीट कर लिया बना करके, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन को बनाने के लिए। व्हाइट कलर का हमने थ्रेड लेके रखा है, नॉट लगाएंगे सबसे पहले, सिंपल जिस तरीके से लगाते हैं लगा लेते हैं, जिस तरीके से आप लगाते हो लगा लीजिएगा, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ से फिर देखिए ये क्रोचेट जो हमने यहाँ बनाया था, यहाँ पे इसमें देखिए वूल को डाल लेना है और इस तरीके से नॉट लगाना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे नॉट लगाया हमने, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन को यहाँ से फ्रेंड्स, एक और धागे को इधर करके इस तरीके से फिर से एक और नॉट लगाएंगे, यानी कि एक और चेन बना लेते हैं, ठीक है। टाइट कर लेंगे धागे को, जिससे कि ये देखिए डिज़ाइन हमारा खुले नहीं, अब इसको एक साइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन बनाना, देखिए यहाँ से फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। 30 बना लिया हमने, अभी हम इसको देखेंगे, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, अब इतना ही रहने देते हैं। अब इसको देखिए यहाँ से फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है, तो देख लेना है फ्रेंड्स यहाँ पे, ये देखिए इसके बराबर है या फिर ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। साइज़ देख लेना है, देखिए अभी हमको ये लंबा ही लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। आप काउंट करके बना सकते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग नाप कर ही बनाएं, आप काउंट करके। हमने नाप के बनाया, स्टार्टिंग में काउंट नहीं किया है इसलिए हम काउंट नहीं करेंगे, हम इसको नाप कर ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको बनाते हुए यहाँ से खोल लेंगे, इतना जितना एक्स्ट्रा है इतना हमने इसको निकाल दिया। और उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा दिया है और यहाँ पे नॉट लगाया और फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देख सकते हैं। फिर ये फाइनली हमने यहाँ पे ये बना लिया, ठीक है, इस तरीके की चेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ठीक है। अभी देख लेते हैं, अब इसके बराबर फिर देख लेते हैं कि ये ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है। देखिए हम, आप काउंट करके बनाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है, जैसा आपको इजी लगे। एकदम मैंने इसके बराबर बना लिया, देख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है, स्लिप स्टिच लगाइएगा इस तरीके से, ये स्लिप स्टिच है हमारी, ठीक है। केवल स्टिच करना है तो उसको स्लिप स्टिच बता देंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच मैंने कई बार आप लोगों को बताया स्टिचेस, ये देखिए ये है, इस तरीके से इसमें निकालेंगे, स्लिप स्टिच है हमारी स्टिच करने के लिए, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ से 1, 2, नेक्स्ट रो है, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। फिर से देख लेंगे तो इस तरीके के हमें कितने बनाने हैं फ्रेंड्स, इस तरीके के हमें 7 बनाने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी फिलहाल इसको यहाँ पे स्टिच करना है और काउंट देखिए इस तरीके से एक बराबर, थोड़ा सा हमको ये छोटा ही लग रहा है, ठीक है। तो अभी इसको सही कर लेते हैं, 2 और चेन बना लेंगे तो ये सही हो जाएगा, सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे ला करके स्लिप स्टिच बना लेने, फिर से यहाँ पे जॉइंट किए इसको और फिर से नेक्स्ट वाला रो स्टार्ट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट डिज़ाइन, सॉरी नेक्स्ट चेन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 बना लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने 3 बनाया है, इसी तरीके से 4 और बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमने इसको बना करके कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमने कितनी चेन बनाई है इस टाइप की, 1, ठीक है, 2, 3, ये हो गया 4, 5, 6, 1, 7 बना लिए ना। देखिए हमने इस तरीके से 7 बना लिए। 7 बनाने के बाद देखिए फिर से हमको स्टार्ट करना है नेक्स्ट रो के लिए, ठीक है। तो उसके लिए देखिए फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1, 30। इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टिच नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करके इसको देख लेंगे इसके बराबर है या नहीं है, तो थोड़ा सा कम है तो 2 रो, 2 फंदे और यानी कि 2 चेन एक्स्ट्रा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए हमने यहाँ बढ़ा लिया एक्स्ट्रा, अब फिर देखते हैं इसको इस तरीके से सही है कि नहीं, देख सकते हैं अभी फ़िलहाल देखिए एकदम सही है ना, इसी के बराबर ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको एक और सिंपल नॉट लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट रो के लिए हमें इसको, ठीक है, कंप्लीट करना है, यहाँ पे धागा थोड़ा सा फंस गया है। अब देखिए यहाँ पे आएंगे इस थ्रेड को लेकर के जो हमने यहाँ बनाया था ना, अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे और यहाँ से फिर से हम स्टार्ट करेंगे जैसे हमने इसमें बनाया था ना, इसमें तो सेम 7 इसमें भी बना के कम्प्लीट करने। देखिए इस तरीके से हमने इसमें बनाए हैं झालरों के लिए, ठीक है, इस तरीके से सेम, तो देखिए ये, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने इसमें बनाया है ना, सेम वैसे बनाने हैं इसमें भी। और लरी इतनी लंबी होनी चाहिए फ्रेंड्स कि जैसे कि ये वाली लरी हमने बनाई, देखिए ये है जो बीच वाली लरी है ना, वही लरी हम बना रहे हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, तो ये खींचेगा तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके बराबर
आ जाना चाहिए इस तरीके से। थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो हम इसको एक दो फंदे और बढ़ा लेंगे। देखिए थोड़ा सा खींच रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे अभी इसको हम इस तरीके से खोल देंगे और यहाँ पे एक और दो फंदे और बढ़ा लेंगे, एक्स्ट्रा जितना भी होगा देख लेते हैं फिलहाल। 1 एंड 2 बस काफ़ी, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाना है और ये देखिए स्टार्ट करना है। अभी फिर से इसको साइड में इधर रखेंगे और देख लेते हैं अब फिलहाल। तो इसी तरीके से ना इसकी फर्स्ट रो है फ्रेंड्स, तो इसको कंप्लीट करना है सेम इसी तरीके से। अभी 7 के गुच्छे यहाँ भी बनेंगे, फिर लास्ट वाली जो 8 रो बनेगी यहाँ से यहाँ तक स्टिच हो गया, जिससे कि इस तरीके से ये आई है, ठीक है। फिर उसके बाद से फिर इसमें भी 7 बनेंगे, सारा बनाएंगे जैसे नीला फर्स्ट वाला बनाया है सेम इसी तरीके से पूरा जो हमको है कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट रो हो जाएगी इसकी, ठीक है। सेकंड रो में जब टर्न होकर आएंगे तो इन सबको आपस में स्टिच करेंगे जिस तरीके से हमने स्टिच किया है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में आप लोगों को स्टिच करना बता देंगे, बाकी झालर बता देंगे किस तरीके से बनानी है। नेक्स्ट रो में ये स्टिच करना बताएंगे, मतलब इतना पूरा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रो आप देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया सेम वैसे यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसका 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट इस तरीके से बना सकते हैं, जिस तरीके से आपका मन हो उतने में आप इसको बना के कंप्लीट। आप चाहें तो सारा एक साथ इकट्ठा बना सकते हैं, हमने जैसे 2 पार्ट्स कर दिए, आप सिंगल 1 ही पार्ट रखिए वो भी बन के कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक दो चेन और बना के आपको दिखा देते हैं लरी को, उसके बाद से आप सेम वैसे ही बनाते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए चेन बनाने का तरीका फ्रेंड्स, थोड़ा सा चेन को लंबा रखना है 1, फिर थोड़ा सा लंबा रखना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रेंड्स। आप लोग वरना समझ में नहीं आएगा, अगर जो मैं स्टार्टिंग में नहीं बता पाती हूँ वो लास्ट में बता देती हूँ कि इस तरीके से इसको हम बना के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फिर से देखिए अब हमने यहाँ पे काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 130, ठीक है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और देख लेंगे, ठीक है, कि क्या वाकई सही हो रहा है कि नहीं। कम पड़ेगा तो हम उसको सही कर लेंगे। तो अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा ना तो इस वाले को यहाँ पे लाइए इस तरीके से और यहाँ से दोनों को इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कम है तो 2 फंदे हम इसमें एक्स्ट्रा कर लेते हैं, उसके बाद से हम इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो सेम इस तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे, बहुत ही ईजी है, बहुत कम टाइम में बन के कम्प्लीट भी हो जाएगा। देखिए बन गया, अब यहाँ पर स्लिप स्टिच हम लगा देंगे, ठीक है। अब इसके ही इसको देख करके बाकी हमको बना लेने, जैसे अब यहाँ से फिर से हमने स्टार्ट किया, अब एक लरी हमारे पास आ गई कंप्लीट हो गई। अब इसी लरी के बराबर हमको सारी लरियों को बनाना है, यानी कि 7 लरी हमें भी और बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। अभी इसको भी यहाँ पे इसी तरीके से सेम फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो देख सकते हैं अभी देखिए दोनों बराबर हो गया, थोड़ा सा ये फर्स्ट वाला ही सेकंड वाला थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो 1 एंड 2 कर देना है और फिर से यहाँ पे लाकर। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से बना के कंप्लीट करना, देख सकते हैं एकदम बराबर बन के कंप्लीट हुआ है ना, तो सेम ऐसे ही बना के कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही शेयर करना था, क्योंकि वीडियो जब लंबी होती है तो मुझे अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत आती है, ठीक है, स्पेस उतना है नहीं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब इसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।